Come on, girls. ये सब पार्सल हमारा ही है ना? ये आपका है जी। सब डाल दिया साहब। चाचू मेरा स्कूल बैग। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बदतमीजी का जवाब। आपने बैग सीट से उठाकर नीचे फेंकने की बदतमीजी की, मैंने सीट पे रखने की। मैं तुम्हें सीट नजर आती हूँ? जी हाँ, बैठ के बताऊँ क्वेश्चन कैसा? तुम्हारी ये हिम्मत मैं तुम्हें चालू पकड़ो न छोड़ो, छोड़ा तो टंक मार जाएगा। जब मर्द एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों, आप क्या कहती हैं? Shut up! तुम हाथ छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? ए, देखिए भाई साहब। लक्ष्य तेरे को बोला? अरे कोई भाई भाई नहीं, राखी के दिन मुझे कड़का नहीं होना है, हट। मैं बताऊं आंटी, ये हमारी टेबल पर बैठ गई थी। टेबल रिजर्व नहीं थी और अब तो मैं ये कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरी भी जिद है, मैं भी ये कुर्सी लेकर रहूंगा। अच्छी है चाचू, घर ले चलो। कमाल है क्या, घर ले जाना। कुर्सी होटल वाले की है। मैं कुर्सी की नहीं आपकी बात कर रहा था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो समवेयर। चलो लेट्स गो। कहाँ? इनके पीछे पीछे। मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? ये तू आज छुट्टी कर लेना। चुप बे, करवाएगा। इसको स्कूल छोड़ के आ जा। जरा पिंक शर्ट दिखाइएगा कोई। एक्सक्यूज मी Yes? एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रोज पिंक, लेमन पिंक, गोल्ड पिंक, सिल्वर पिंक, पिंक में जितने भी शेड है सब दे दीजिए। सभी? हाँ, मेरी शालू को सिर्फ एक ही रंग पसंद है, पिंक। चलो चलो, ये चलेगी, न्यू डिजाइन। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे एक ब्रा मिल सकती है? कितने चाहिए? एक नहीं दो। विद साइज प्लीज। साइज लोफर। इस मटेरियल में? एक्सक्यूज मी, पूछ के आता हूँ। हाँ, ना शॉपिंग हुई ना चाय पीने को मिली, आज का दिन तो बेकार गया। चलो चलो टैक्सी पकड़ते हैं। अरे लगता है ये तो एंगेज्ड है। ओह, मेरा दिल भी आपके लिए एंगेज्ड है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। आप अपने प्यार का गिफ्ट मुझे दे दीजिए तो लिफ्ट में आपको दे दूंगा। ओह नो, ओम स्वाहा। हमें राजा ठाकुर कहते हैं। गब्बर हमारा भाई है, 7 तारीख को उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये रही आपका फैसला बदलने की कीमत। धर्माधिकारी का फैसला ना आज तक कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। हटाओ ये रद्दी के टुकड़े। शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे लिए इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जगह मुजरिमों के कटघरे में है, इंसाफ की कुर्सी पर नहीं। धर्माधिकारी, हम वो कुर्सी ही पलट देते हैं जो हमारे खिलाफ सर उठाती है। हम वो कलम तोड़ देते हैं जो हमारे खिलाफ इंसाफ करती है। कलम और बंदूक की जंग में जीत हमेशा कलम की ही हुई है और कलम की ही होगी। फैसला तो तुम वही लिखोगे धर्माधिकारी, जो हम चाहेंगे। ओम स्वाहा। सर केस देखिए। आप फिक्र मत कीजिए,
हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जस्टिस धर्माधिकारी की अदालत में आज हमारा एक पेचीदा केस है जी, जिसे मिस्टर धनंजय लड़ने जा रहे हैं। हम भी तैयारी में है। गुड मॉर्निंग सर। खून भी किया होगा तो बच जाएंगे। धनंजय साहब जिसकी भी तरफ से केस लड़ते हैं जज को सजा सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। योर ऑनर, मैं एडवोकेट धनंजय अपने क्लाइंट मिस्टर गब्बर की तरफ से अपना वकालतनामा पेश करता हूं और अदालत से ये दरखास्त करता हूं कि मुझे ये केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने मुरली थिवानी नाम के एक आदमी की कैंटीन को हथियार कर उस पर गैर कानूनी धंधा शुरू किया है, लेकिन जिस कैंटीन का जिक्र यहां किया जा रहा है वो अभी तक उसी मुरली थिवानी के नाम पर है। अगर उस जगह पर कोई ड्रग्स भेजी जाती है तो उसका कसूरवार वही होता है जो उस जगह का मालिक होता है। ये ठीक है कि वो जगह मुरली थिवानी के नाम है, परंतु उस जगह पर मुलजिम गब्बर ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या मिस्टर मुरली थिवानी ने उस शख्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की जिसने उसकी कैंटीन पर जबरदस्ती कब्जा किया? क्या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया? कोई सबूत? सबूत है, ये स्टैंप पेपर जिस पर गब्बर के दस्तखत हैं। क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हां, मगर विशाल ने स्टैंप पेपर पर दस्तखत मुझसे धोखे से करवाए। स्टैंप पेपर पे कोई कैसे धोखे से दस्तखत करवा सकता है? बिल्कुल उसी तरह योर ऑनर जिस तरह इस कागज पर आपके दस्तखत हैं, और ये पेपर मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर और आपके दरमियान पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है। मिस्टर धनंजय, आप अदालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये पेपर झूठा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विशाल का ये पेपर झूठा है। मुझे अपना पॉइंट साबित करने के लिए आपको ये धोखा देना पड़ा। योर ऑनर, ये देखिए। आपने मेरे वकालतनामे पर नहीं बल्कि इस स्टैंप पेपर पर दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्योंकि मुलजिम गब्बर पर लगाया हुआ कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए अदालत यह मुकदमा खारिज करती है और मुलजिम को बाइज्जत रिहा करती है। ये रही आपकी फीस। ये सब मेरा मेरे लिए? ये भी आपके लिए है। ये हुस्न रेगिस्तान है और ये हुस्न परिस्तान है। अच्छा मिस्टर धनंजय जी, हमारी एक शर्त है, हर केस में जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, धनंजय ने आज तक जो भी केस लिया उसमें हमेशा उसी की जीत हुई है। चीयर्स। चीयर्स। हेलो, कौन आप? इस वक्त जस्टिस धर्म अधिकारी के छोटे बेटे इंस्पेक्टर पंकज धर्म अधिकारी के छोटे भाई विशाल धर्म अधिकारी से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? बोलने वालों की जबान बंद करने वाला राजा ठाकुर। राजा ठाकुर भैया, राजा ठाकुर। गिव इट टू मी। अपनी कामयाबी पर खुश मत होना राजा ठाकुर। तुमने अपने आदमी को बचा तो लिया, लेकिन जुर्म और कानून की जंग बहुत लंबी है। हम तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे बंद नजर आओगे। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। देखो इंस्पेक्टर, कानून ने अभी तक वो सलाखें नहीं बनाई हैं जो राजा ठाकुर को कैद कर सके, और समाज ने भी अभी तक ऐसा कोई मुजरिम पैदा नहीं किया जो कानून से हमेशा बच सके। कानून की बार का इंतजार कर राजा ठाकुर।
बेवकूफ इतना भी नहीं जानता कि वार करने वाले हाथ कानून के हैं, मगर उनमें ताकत हमारी है। शरीफों की दुआ, बदमाशों की सजा। नाम है विशाल, क्या नाम है? पंकज भैया का छोटा भाई हूँ और तुम जैसे बकरों के लिए कसाई।